उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में जिला अधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी में पुलिस अध्यक्ष अनुराग आर्य की अध्यक्षता में शीतला माता मंदिर परिसर में आगामी अयोध्या प्रकरण में कोर्ट का निर्णय आने को लेकर क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों के साथ बैठक की गई, जिसमें पुलिस अध्यक्ष द्वारा पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आम लोगों से सहयोग करने की अपील भी की गई। जैसा कि कहूंगा फिर हम सभी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला राम जन्म छोड़ने करके जनपद वासियों को नगर वासियों को हम लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनको सतर्क जागरूक करने का हम प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोगों ने आज यहाँ पे एक गोष्ठी आयोजित की है और यहाँ पे जैसा अब तक हम उन लोगों ने हमको हम लोग सहयोग समर्थन दिया है और वह सहयोग समर्थन मिलता रहेगा निस्संदेह हम लोग मऊ को शांत बनाए रख रहे हैं। शीतला माता मंदिर परिसर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें यहाँ पे 12 तारीख को देव दीपावली का त्यौहार भी है और उसके साथ साथ अयोध्या मामले में जो निर्णय आने वाला है उसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है, सभी लोगों के द्वारा यह आश्वस्त कराया गया है कि यह निर्णय राष्ट्र के हित में होगा, इसलिए सभी को सर्वमान्य होना चाहिए और निर्णय आने के बाद किसी प्रकार का कोई विजय जुलूस या आतिशबाजी इस तरह की चीज़ें बिल्कुल शासन के द्वारा प्रतिबंधित की गई हैं। कोई मीटिंग इस मुद्दे को डिस्कस करने के लिए प्रतिबंधित की गई है, इन सब चीज़ों से सबको अवगत कराया गया है। तो बहुत अच्छी बात है कि सभी के द्वारा स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है, आश्वस्त कराया गया है कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस के साथ शासन के साथ इस निर्णय का सभी लोग स्वागत करेंगे और इसको मानेंगे। सर अब ये कितने दिनों तक चलेगा ये जागरूक के लिए लोगों को? ये तो लगातार चलता रहेगा, ये अभियान हम लोग का वैसे भी त्योहारों में चलता रहता है। आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने से जनपद में लगातार त्यौहार है, लगातार इस प्रकार की मीटिंगें हुई है। इसके बहाने ये भी है एक अच्छा जनसंपर्क हो जा रहा है, अधिक से अधिक लोग पुलिस और प्रशासन से जुड़ते चले जा रहे हैं। देव दीपावली की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा, देव दीपावली की तैयारी, देव दीपावली इस बार 12 तारीख को है, 12 तारीख को यहाँ बड़ा विशाल मेला लगता है, उसकी तैयारियाँ अभी चल रही हैं। सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से महिला पुलिस और गुंडा दमन दल, ये दो चीज़ें इस बार हम ज़्यादा फोकस रखेंगे और CCTV कैमरा को सादे वस्त्रों में जो गुंडा दमन दल होता है ताकि किसी के साथ चेंज मैचिंग ना हो, पर्स मैचिंग ना हो, उनकी व्यवस्था की जाएगी और पर्याप्त संख्या में महिला कॉन्स्टेबल्स, क्योंकि महिलाएँ आती हैं उनकी सुरक्षा इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है।